देखिए वो लड़की बालिग है, जो अभी तक के मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं वो 16 से 17 साल के दरमियान है। और ये बात भी सामने आ रही है कि आज तक अब वो अगर बच्ची कहती है बायोलॉजिकल एज को मालूम करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में है भी नहीं, एक ये पॉइंट भी मैं आपको दे दूं। बिल्कुल है, ये आप ना बात करें कि एज को मालूम करने की आपकी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी बिल्कुल मौजूद है। ये जो डोप टेस्ट होती हैं एज फैक्टर दुराना की बुनियाद पर एज जो है वो इसमें डिटरमाइन की जाती है, ये चीज़ें पाकिस्तान में मौजूद है और हो रही हैं। अच्छा, मेडिकली ये चीज़ें अब एक्सेसिबल हैं। सही। दूसरी मैं जो बात करने लगा था वो ये था कि वो एक सेंसिबल है, वो अच्छा बुरा समझ सकती है। यहाँ पे आपके यूएन का प्रेशर होता है, जो आपके ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो भाग पड़ते हैं, आपकी जो मोमबत्ती माफिया है वो भाग पड़ती है, ये बच्ची के साथ जुर्म हो रहा है। अब एक बच्ची अपनी मर्जी से नहीं मिलना चाह रही, तो यही अगर कोर्ट या आपका लॉ कर ये बात करता है तो आपका यूएन के जो जितना प्रेशर आना था ह्यूमन राइट्स वालों का, क्योंकि आपने बच्ची की मर्जी के बगैर उसको कैसे कर दिया। अच्छा, लेट्स कोर्ट ने उसको 10 मिनट का टाइम दिया वालदैन को मिलने का, कि उसको आप मिल लो, समझ लो, उसने नो कर दी। अब उसके साथ जबरदस्ती करते हैं तो दूसरे हालात से जो आपको अच्छी तरह पता है, तो वो जो है माफिया उसने चढ़ आना था मीडिया पे और ये हो जाना था कि देखें जी उसकी आज़ादी है, उसकी चॉइस है, आप उसको कैसे कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स वालों ने आ जाना था, चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स वालों वो जो एनजीओ के करोड़ों लेके खाती हैं उन्होंने आ जाना था। तो ये एक नया किस्म का टॉपिक शुरू हो जाना था।